हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी उम्मीद है कि आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे मैग्नेट ब्रेन से उम्मीद करता है कि आप हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन के इस प्लेटफॉर्म पर जहां मिलता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन बात करें हम किंडर गार्डन की या फिर हो क्लास ट्वेल्थ सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट और वो भी पूरे क्वालिटी कंटेंट के साथ क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है हमारी इसमें आज हम आ पहुंचे हैं अपने चौथे चैप्टर की तरफ चैप्टर नंबर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके माइंड मैप के बारे में माइंड मैप कहने से हमें समझ जाना है कि एक ये 40 से 45 मिनट का छोटा सा लेक्चर होगा जिसके अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं हम इस चैप्टर के पहले पॉइंट को पकड़ेंगे और वहां से चलेंगे इसके आखिरी पॉइंट तक इस चैप्टर में मौजूद सारे टॉपिक्स सारे सब टॉपिक्स जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे तो बिना दे, बिना देर किए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इसकी खास बात यह है कि हमारा जो यूनिट है रिप्रोडक्शन उसका ये आखिरी चैप्टर है तो अगर ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो समझ जाना है कि हमारा रिप्रोडक्शन नामक यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुका है तो देखते हैं इस माइंड मैप में हमें क्या क्या डिस्कशन करना है इस चैप्टर के मेन कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन मैं आपसे करना चाहता हूं और वो डिस्कशन ये है कि हर दिन ये न्यूज में आता है और हम ये चीज देख भी रहे हैं इंटरनेट पे और हर जगह हमें पता है कि इस दुनिया की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है बहुत सारे कारण हैं लेकिन रिसोर्स की बात करें तो वो हमारे पास लिमिटेड है बढ़ते आबादी और लिमिटेड रिसोर्स के कारण ऐसा है कि हम इस बढ़ते पॉपुलेशन को ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं साथ साथ मैं आपसे एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूं कि आज की सोसाइटी में आज के सोसाइटी में बहुत कुछ एडवांस हो चला है लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसा है कि खुल के इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं की जाती रीजन्स ऐसा है कि वो बहुत सारे कल्चर्स हैं गांव में समाज में तो इस चीज़ के ऊपर बात नहीं की जाती लेकिन इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कॉन्डम्स एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनने के बाद बहुत सारे लोगों का रिएक्शन कुछ अजीब सा होता है अगर हम मेडिकल स्टोर पर जाकर के अगर इस चीज को खरीदते हैं तो अगल बगल मौजूद लोग इस पर हंस भी देते हैं क्योंकि इसको थोड़ा फन वे में लिया जाता है बट अगर मैं डिस्कशन करें अगर एक हम बायोलॉजिकली uh, इसको देखें तो ये उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई दूसरी मेडिसिन है इसका यूज करने से एक इंसान सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बच सकता है इसका यूज करने से पॉपुलेशन पे कंट्रोल पाया जा सकता है इसके यूज करने से इंसान का रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो मेंटेन रहता है साथ साथ और भी कई चीजें हैं इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं तो सबसे पहला पॉइंट इस चैप्टर के अंदर आता है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक टर्म है हमारे पास रिप्रोडक्टिव हेल्थ फिर हम चलते हैं अपने क्लास के एक चैप्टर पर जहां हमने जो एक चैप्टर है दैट इज डू वी फॉल इल नाम का एक चैप्टर था हमारे पास वो एक ऐसा चैप्टर था जिसके अंदर हमने हेल्थ नामक वर्ड के डेफिनेशन को देखा था अगर नहीं देखा था भूल गए हैं तो अभी हम एक बार देख लेते हैं उसको और साथ साथ आने वाले इसी क्लास ट्वेल्थ में एक और चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वहां भी हमें इसके बारे में डिस्कशन करना है लेकिन यहां पर सिर्फ ये हेल्थ अकेले नहीं मौजूद है हेल्थ के साथ एक और वर्ड लगा है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो हम जनरली तीन चीज लिखते हैं एक लिखते हैं फिजिकल एक लिखते हैं फिजिकल फिर लिखते हैं हम मेंटल और एक लिखते हैं सोशल कहने का मतलब है कि अगर हम हेल्थ को डिफाइन करने जाएं तो हम एक किसी भी इंसान को या हेल्दी uh, तभी बोल सकते हैं जब वो फिजिकली फिट होगा जब वो सोशली फिट होगा और वो मेंटली फिट होगा जब ये तीनों पैरामीटर्स पे फिट उतरता है तो हम उसे हेल्दी बोलते हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहने का ये मतलब है कि एक ऐसा टोटल वेमिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीनस टोटल वेल बींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब इस रिप्रोडक्शन जिसको हमने अभी पढ़ा था दैट इज की, की बात करें तो उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें कई सारे इवेंट्स देखने को मिले थे हमें प्री फर्टिलाइजेशन देखने को मिला था जहां पर गैमेट का बनना गैमेट बनने के दौरान ऐसा हो सकता है कि अगर उस बंदे का शरीर उस लायक नहीं है अगर उसके अंदर जो हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है हार्मोन्स जो बन रहे हैं अगर वो उस काबिल नहीं है तो जो गैमेट बनकर के यहां पर तैयार होगा ये गैमेट जो होगा वो हम कह सकते हैं कि वो फिट नहीं होगा हो सकता है कि गैमेट फिट भी हो और गैमेट जो है उस लायक ना हो कि ये आगे जा करके फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके तो जब तक हम ये नहीं कह लेते कि रिप्रोडक्शन के सारे मायनों में अगर कोई स्वस्थ है तो उसी चीज को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से जान रहे हैं यहां पर लिखता है कि फिजिकल इमोशनल बिहेवियरल एंड सोशल ये चार पॉइंट्स जो हैं इस चीज को हम याद करेंगे क्योंकि ये पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी हमें बोलता है कि फिजिकल इमोशनल बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग होना चाहिए तो इसी चीज को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नाम से जाना जाता है कहने का मतलब ये कि रिप्रोडक्शन करने के दौरान जितनी भी चीजें हैं वो सब परफेक्ट होनी चाहिए फिजिकली इमोशनली बिहेवियरली एंड सोशली

या फिर हमने इसके बारे में क्लास टेंथ के चैप्टर्स में भी डिस्कशन किया है बहुत ही छोटा सा लेकिन किया है शायद अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं दो पॉइंट्स को एक साथ लेके पहला पॉइंट ये है पॉपुलेशन अगर पॉपुलेशन की बात करें तो ये पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और दूसरी तरफ अगर हम रिसोर्स की बात करें तो ये जो रिसोर्स है ये समय के साथ कम होता जा रहा है तो इस बढ़ते पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो एक समय ऐसा है कि ये रिसोर्स घटते 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 बिल्कुल ही जीरो होने वाला है। तो अगर इस रिसोर्स बचेगा नहीं तो फिर हम इस पॉपुलेशन के डिमांड्स को रिक्वायरमेंट्स को पूरा कैसे करेंगे तो इसलिए जरूरत है कि इसके ग्रोथ को कंट्रोल किया जाए और इसके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए ही ये फैमिली प्लानिंग को लाया गया था एक रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के तहत एक ऑपरेशन चलाया गया और यह किया गया था 1951 में इसमें याद करने लायक यह साल है यह आर ने किया था और यह कब हुआ था तो 1951 में फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की गई थी इसके तहत ये डिसाइड हुआ था कि हर घर में एक फैमिली प्लानिंग होगी मतलब कि एक नंबर फिक्स होगा इस नंबर से ज्यादा बच्चों को आप जन्म नहीं दे सकते साथ-साथ एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा दैट इज अबाउट द मैरिजेबल एज मैरिजेबल एज की बात करें तो इसको फिक्स किया गया कि मेल का जो मैरिजेबल एज है ये 21 इयर्स का होगा एंड फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में ये 18 साल का होगा मतलब कहने का कि मेल तब तक शादी नहीं कर सकते हैं जब तक उनकी एज 21 ना हो और फीमेल्स की मिनिमम एज जो है वो 18 होनी चाहिए तो ये कुछ डेटा है जिसको याद कर लेना है हो सकता है कि हमसे एमसीक्यूज में पूछ दे खैर ये वाला जो डेटा है ये वाला पॉइंट ये बहुत ही कॉमन है और ये उतना ज्यादा मतलब ऐसा पॉइंट नहीं है कि हमसे पूछ लिया जाए फिर भी इन केस अगर पूछ लेता है तो हम इस डेटा को टिक करेंगे इसके बाद हम बात कर रहे थे कि 1951 में फैमिली प्लानिंग को शुरू किया गया था और ये ऑपरेशन चलाया गया था रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के द्वारा तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में कि उधर हमसे हमें क्या देखना है इसके बाद हमें क्या डिस्कशन करना है अब हम आ जाते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नाम के टॉपिक पे तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जैसे बात करें तो इसमें हम दो चीज डिस्कस करेंगे एक हम डिस्कस करेंगे अपने इंडिया के बारे में और दूसरा डिस्कस करेंगे हम इस पूरे वर्ल्ड के बारे में तो इंडिया की अगर बात की जाए तो ये कुछ डेटा है जो हमें याद करते चलना है दैट इज इन इनटीन इन सेवन जो आबादी थी डेट वाज़ अराउंड थ्री फिफ्टी मिलियन इसको याद करेंगे कि 1974 में आबादी थी थ्री फिफ्टी मिलियन और ये मई 2000 आते आते तक इसने बिलियन को क्रॉस कर लिया कहने का मतलब है कि 1974 से 2000 के बीच में ये पॉपुलेशन जो है वो तीन सौ पचास मिलियन से सीधा एक बिलियन पहुंच गया इसकी बात करें तो इसका कहने का ये मतलब है कि इस पूरे विश्व में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से हर छठा व्यक्ति एक भारतीय है कहने का मतलब है कि अगर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस अगर ऐसा हम करते हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः ये इंडियन होगा एक दो तीन चार पाँच छः ये इंडियन है एक दो तीन चार पाँच छः इंडियन है एक दो तीन चार पाँच छः ये इंडियन है हर छठा इंसान जो है इस धरती पर वो इंडियन होगा कहें अगर हम ये बात 2001 के सेंसस के तहत अगर हम एक डेटा के बारे में डिस्कशन करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ वाज़ 1.7 परसेंट का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था ये 2001 का डेटा कहता है इसके कहने का मतलब ये है कि 17 पर थाउजेंड पर ईयर याद हो जाएगा काफी आसान है कुछ डेटा है में पूछ लिया जाएगा हमसे कंपटीशन नीट के है है, तो साथ तैतीस साथ पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगा दैट इज पॉपुलेशन कैन डबल इन थर्टी थ्री इन तैतीस सालों में पॉपुलेशन डबल हो जाएगा अगर इस पूरे विश्व की बात करें तो 1900 में द पॉपुलेशन वाज अराउंड 2 बिलियन और अगर हम 2000 की बात करें तो पॉपुलेशन जो था वो छः बिलियन के पार हो चुका था छः बिलियन को इसने टच कर दिया था ये कुछ डेटा है डेटा कहता है इंडिया का कि 1974 में पॉपुलेशन वाज अराउंड 350 मिलियन मई 2000 आते आते तक ये एक बिलियन को क्रॉस कर जाता है कहने का मतलब ये है कि इस विश्व में मौजूद जितने भी लोग हैं उनमें से हर छठा व्यक्ति एक भारतीय है पॉपुलेशन ग्रोथ सेंसस 2001 की बात करें तो इट वाज 1.7 इसका मतलब है कि पर हर साल हर हजार पे सत्रह लोगों का जन्म होना फिर कहता है कि ये अगर इस रेट से बढ़ता गया तो आने वाले तैतीस सालों में ये डबल हो जाएगा पूरे विश्व की बात करें तो 1900 में ये दो बिलियन के पास था पॉपुलेशन एंड इन 2000 ये छे बिलियन हो चुका था तो ये भी कुछ डेटा है इसे भी हम याद करेंगे क्योंकि हमसे पूछा जा सकता है ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो इसको आप नोट कर सकते हो फिर हम चलेंगे आगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बाद एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक आ रहा है इसके बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए दैट इज अबाउट द देंटेस ये क्या है ये एक ऐसा प्रोसीजर था कि अगर हम बात करें कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो हमने सुना भी होगा अगर हम अगर हमारे घर में कभी नेशनल टीवी जो डी वन चलता था डी वन में ऐसे बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स चलाए गए थे हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें ये चीज ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ था जस्ट बिकॉज कि हमारे सोसाइटी में इन सब चीजों के बारे में नॉलेज uh, मिल सके सबको समझ में आ सके तो एक ऐसा प्रोसेस है ये एक ऐसी चीज है जिसके uh, जिसके हेल्प से हम किसी भी किसी भी प्रेग्नेंट प्रेगनेंट वुमेन के अंदर मौजूद बेबी के सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं मतलब इस इसके मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि गर्भ में मौजूद वो जो बच्चा है दैट इज मेल और फीमेल तो उसके सेक्स को पता किया जाता है इसकी बात करें तो सर ठीक है आपकी बात हमने मान ली कि पता किया जाता है लेकिन सवाल ये उठता है कि पता करने का प्रोसीजर क्या है तो ये कहता है कि क्रोमोजोमल पैटर्न ऑफ एमनियोटिक फ्लूड तो इसके मदद से इस चीज को पूरा करवाया जाता है तो कैसे हो रहा है तो अगर हम बात करें कि इस एमनियोटिक फ्लूड की बात करें तो हम जान रहे हैं इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे दैट इज 22 को छोड़ दिया जाए तो या तो एक्स एक्स होगा या फिर अगर हम इसकी बात करें तो 22 टू प्लस एक्स वाई होना है ट्वेंटी टू पेयर है ये ट्वेंटी टू पेयर प्लस एक्स एक्स होगा या फिर एक्स वाई होगा यही होना है इसको तो अगर ये वाला पैटर्न अगर हमें इस स्टडी में दिखता है तो हम कहते हैं ये जो जिस फीटस का डेवलपमेंट अंदर हो रहा है दिस इज फीमेल या फिर अगर ये वाला अगर हमें क्रोमोजोमल पैटर्न मिलता है तो हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि कि यहां पर जो डिस्कशन है है दैट इज अबाउट द मेल फिर कह रहा है कि इसको बैन कर दिया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा पहले हॉस्पिटल्स में जाकर के लोग ये टेस्ट करवाते थे और हमारी सोसाइटी कुछ ऐसी थी कि अगर ये पता चलता था कि ये जो बच्चा जो गर्भ में अभी पल रहा है अगर वो फीमेल है अगर वो एक लड़की है तो उसकी वहीं पर हत्या कर दी जाती थी तो इस चीज के कारण इससे क्या हुआ कि जो फीमेल्स की आबादी है अगर हम मेल के रेशियो में लेकर के देखें तो वो काफी कम है तो इस चीज को रोकने के लिए और फीमेल्स के आबादी को बढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को बैन कर दिया मतलब किसी भी किसी भी बच्चे के घर में सेक्स डिटर्मिनेशन जो आज के समय है वो एक कानूनन जुर्म है तो आज के समय अगर आप हॉस्पिटल्स जाते हो हॉस्पिटल्स में आप देखोगे कि वहां ये क्लियर लिखा होता है कि यहां पर किसी भी गर्भ मतलब गर्भवती महिला के अंदर जो बच्चा मौजूद है उसके सेक्स को यहाँ पर डिटरमाइन नहीं किया जाता वो टेस्टिंग यहाँ नहीं की जाती है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर फीमेल फर्टिसाइड्स बढ़ रहे थे गर्भ में ही फीमेल को फीमेल बच्ची जो होती थी उनको मार दिया जाता था तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये इस प्रोसेस को जो है वो हमारी सरकार ने फिलहाल बैन कर रखा है। तो इसको डिस्कशन किया था दैट इज कि बढ़ती आबादी को रोकना जरूरी है बढ़ती आबादी को रोकने के लिए जरूरत है कि हम एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करें तो भाई अल्ट आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हम किसे बोलते हैं तो जो यूजर फ्रेंडली हो ईजली वो अवेलेबल हो वो इफेक्टिव होना चाहिए ऐसा नहीं कि अगर हमने उसे यूज किया है तो उसको वो इफेक्टिव नहीं है और वो फाइनली फिर क्या होता है वो फेल हो जाता है फिर प्रेगनेंसी जो है एट लास्ट प्रेगनेंसी वहां पर देखने को मिलता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसे इफेक्टिव होना होगा उसे रिवर्सिबल होना होगा जीरो एट जीरो या फिर लीस्ट साइड इफेक्ट तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए इजिली uh, अवेलेबल होना चाहिए इफेक्टिव रिवर्सिबल एंड जीरो एंड लीस्ट साइड इफेक्ट तो ये सारी चीजें अगर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं किसी के अंदर तो हम कह सकते हैं कि वो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है हमारे पास यहां पर पांच पॉइंट्स हैं इन पांचों को हम नोट कर लेंगे इसके बाद हम चलेंगे आगे कि हमें नेक्स्ट में इसमें क्या डिस्कशन करना है आगे फिर हम इसमें बढ़ते हैं आगे बढ़ने के बाद हमें देखना है मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन अगर हम मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की बात करें मतलब ये एक ऐसा प्रोसीजर है एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके मदद से हम इस बढ़ते पॉपुलेशन पे कंट्रोल पा सकते हैं मतलब कि ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का एक तरीका है अगर हम इसमें बात करें तो मेनली चार कैटेगरीज हमें यहां देखने को मिलती है नंबर वन इज अ बैरियर मेथड नंबर टू की बात करें तो दिस इज नेचुरल मेथड नंबर थ्री की बात करें तो यह है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस हम एक एक करके इन सबके बारे में डिस्कशन करेंगे एंड नंबर फोर इज सर्जिकल मेथड तो ये चार कुछ ऐसे मेथड हैं जिनके मदद से हम इस जिनको हम मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर रखते हैं और ये वो है जिनके कारण जो प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड किया जाता है तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं इन सब के बारे में दैट इज व्हाट इज बैरियर मेथड नेचुरल मेथड क्या है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या है एंड सर्जिकल मेथड्स क्या है इसको भी आप नोट कर सकते हो चाहो तो और हम फिर चलते हैं आगे सबके बारे में एक एक छोटा सा डिस्कशन हम करते चलेंगे सबसे पहले हम आ जाते हैं नेचुरल मेथड पे कि सर व्हाट इज नेचुरल मेथड नेचुरल मेथड की बात करें तो इसका तो कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा चूंकि ये नेचुरल चीज है सो तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है लेकिन अगर इसके अगर हम इसके इसकी बात करें तो हम कहते हैं कि इसके चांसेस जो हैं वो फेलियर के ज्यादा हैं ये सक्सेस कम होता है और इसमें फेलियर ज्यादा देखने को मिलते हैं कहने का मतलब है कि फॉर कॉन्ट्रासेप्शन अगर नेचुरल मेथड्स का यूज किया जाता है तो उसमें फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं और ऐसा क्यों होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे फिलहाल नेचुरल मेथड के अंदर हमने तीन रखा है नंबर वन इज द पीरियोडिक एबसेंटी नंबर टू इज द क्वेटस इंटरप्टस नंबर थ्री इज लैक्टेशन लैक्टेशन एमनोरिया तो इस तीनों के ऊपर एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं कि ये तीनों क्या हैं। इसको भी आप चाहो तो नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो फिर हम चलते हैं आगे

ये चौदवा दिन जो था दिस वॉज डे ऑफ ओव्यूलेशन ठीक है एक चीज और हम याद करने की कोशिश करते हैं ट्यूब ठीक है एम्प्यूला और, और इस्थमस का ये जो जंक्शन था इसे हमने साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहा था क्योंकि यहीं पर ओवम एंड एस्पम आकर के मिलते हैं ठीक है चौदवे दिन की बात करें तो चौदवे दिन की बात करें तो यहां पर क्या है कि चौदह दिन जो है ये जो ओवम है वो रिलीज होता है एंड फाइनली उसके बाद इसको ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है ट्यूब में इसको लिया जाता है तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसके चार दिन पहले दस दिन और इसके बाद आगे के दो तीन दिन दैट इज सत्रह दिन मतलब इस यहां से लेकर के अगर हम यहां के बीच में अगर हम लोग क्वेटस को रोक दें अगर यहाँ पर इस चीज़ को अगर हम रोक दें ना करें तो फिर हो सकता है कि यहाँ से ये जो समय है ये ओवम जो है इस समय बहुत ही एक्टिव स्टेट में होता है और फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं तो अगर हम इन दिनों में अगर इस चीज़ को रोक देते हैं दैट इज सेक्शुअल इंटरेक्शन को अगर हम रोक देते हैं तो फिर यहां पर इस पाम की जो एंट्री है वो स्पाम की एंट्री जो है वो यहां पर नहीं होगी और स्पर्म की एंट्री नहीं होगी तो फिर ये क्या होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान फिर ये बाहर आ जाएगा तो इस तरीके से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है तो ये रहा इसकी कहानी फिर हम आते हैं अपने सेकेंड पे क्वेटस या विड्रॉल जिसे हम कह रहे हैं इसमें कहता है विड्रॉल ऑफ पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन तो कहने का मतलब यह है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान बिफोर इजैकुलेशन जब मेल बॉडी मेल जो होते हैं वो इजेकेशन से तुरंत पहले अगर पेनिस को विड्रॉल कर लें तो तोन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ना हो करके वो उनके बॉडी के बाहर होता है और जब इजैकुलेशन उनके बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में नहीं होगा तो फिर ये जो स्पॉम की जो एंट्री है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फिर से नहीं होगी और जब स्पॉम वहां तक नहीं पहुंचेगा तो हम कह सकते हैं कि जब स्प नहीं पहुंचेगा तो फिर फर्टिलाइजेशन होने के कोई चांसेस ही नहीं तो फिर वहां पर हम इस तरीके से प्रेगनेंसी पर कहता है लैक्टेशनल, लैक्टेशन एमेनोरिया। इसकी बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने के बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी का जन्म जनवरी में हो रहा है ठीक है तो ऐसा देखने को मिलता है कि जनवरी से लेकर के जून तक का जो महीना है कहने का मतलब यह है कि ये जो छह महीने का जो पीरियड है that is of six months, इस समय बेबी को सिर्फ मदर के मिल्क से फीड करने की सलाह दी जाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये महीने तक मदर्स जो हैं, वो मिल्क का प्रोडक्शन करवा रही होती है तो मिल्क का प्रोडक्शन इस समय होता है तो यहां पर कहता है कि पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्ट इंटेंस लोकेशन आफ्टर बर्थ दिस इज लैक्टेशन यहां पर एक एरर है इसको भी हम सही करेंगे एंड दिस इज इसको हम इरेज करते हैं यहां से एंड दिस इज नथिंग दिस इज लैक्टेशन ठीक है तो पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर बर्थ अप टू सिक्स मंथ तो बच्चे की डिलीवरी के अगले छह महीने तक मदर्स जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन कर रही होती हैं और इस दौरान चूंकि लैक्टेशन हो रहा होता है तो हॉर्मोन्स जो है वो भी अपने पिक पर होते हैं और इस समय क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है खास बात ये है क्योंकि इस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है दैट इज वाई उस वक्त प्रेगनेंसी के कोई चांसेस नहीं होते हैं तो ये वो समय है जिस समय अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो उस वक्त प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हो पाती जस्ट बिकॉज कि वहां पर फीमेल गैमेट एबसेंट होते हैं तो ये कुछ चीजें हैं नेचुरल मेथड की जिनके मदद से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है लेकिन यहां पर एक स्टेटमेंट दिया था कि इसके फेलियर्स के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं जस्ट बिकॉज ड्यू टू इस वाले केस में हम बात करें तो चूंकि हॉर्मोन्स अपने पिक पर होते हैं सो बिफोर इजैकुलेशन विड्रॉल ऑफ पेनिस ये पॉसिबल कभी कभी नहीं हो पाता है तो चूंकि ये हॉर्मोन्स का खेल है तो उस वक्त ये विड्रॉल ऑफ पेनिस नहीं हो पाता है बिफोर तो वहां पर की एंट्री जो है है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हो जाती है, तो यहां पर प्रेगनेंसी के चांसेस बन जाते हैं सो दैट इज ये वाला जो केस है ये हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है अगर हम इस केस की बात करें तो इसमें भी कहता है कि फेलियर्स के चांसेस ज्यादा है समटाइम्स हमें देखने को मिलता है हमने बात की डे एटीन की कभी कभी ऐसा भी होता है कि फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक दो दिन आगे पीछे हो जाते हैं ड्यू टू हार्मोनल इम्बेलेंस तो यहां पर डेटा कहता है कि 10 से 17 ये सॉरी यहाँ 18 लिखा है हमने ये डे 14 डे ऑफ पॉप्यूलेशन एंड डे 17 इस पीरियड के बीच की बात की जा रही है तो हो सकता है एक दो दिन आगे पीछे होने से भी यहाँ पर जो है वो स्पॉन जो है वो ओवम के कॉन्टेक्ट में आ सकता है तो फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिल जाएगा इस पीरियड की बात करें तो समाइम्स ऐसा भी देखने को मिलता है कि बिफोर सिक्स मंथ छह महीने कंप्लीट होने से पहले ही फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मेन्स्ट्रल uh, साइकिल है वो रन कर जाता है समटाइम्स ये चौथे या फिर पांचवें महीने में भी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करता हुआ दिखता है तो उस केस में हम मान के चल रहे हैं कि छह महीने तक का ये पीरियड है इस दौरान प्रेगनेंसी नहीं होगी लेकिन अगर ये चौथे या पांचवें महीने में अगर आ जाता है समटाइम्स तो वहां पर ये जो केस है वो फेल होता हुआ दिखता है और प्रेगनेंसी यहां पर हो जाती है तो इस चीज को हम नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे फिर हम चलेंगे अपने के तरफ कि उधर हमें क्या देखना है इसके बाद हमारे पास है बैरियर मेथड इसके पास है हमारे पास एक बैरियर मेथड कहने का मतलब यह है कि एक तरफ मौजूद है हमारे स्पॉन और दूसरे तरफ मौजूद है हमारा ओवन तो अगर हम इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा बैरियर बना दें अगर एक दीवार बना देते हैं एंड फिर अगर हम दोनों के कॉन्टेक्ट को रोक दें तो फर्टिलाइजेशन को अवॉइड किया जा सकता है एक एक करके देखते हैं सबसे पहले दिखा रहा है कॉन्डम एंड दूसरे पॉइंट में दिख रहा है डाइफ्राम सर्विकल कैप्स एंड वोल्ट एक एक करके इसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो कॉन्डम की बात की जाए तो ये रबर या फिर लेटेक्स का बना होता है इसकी बात की जाए तो ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए अवेलेबल है मार्केट में ये मेल्स के लिए भी अवेलेबल है एंड फीमेल्स कॉन्डम भी मार्केट में अवेलेबल है।, है, है और यह सबसे खास इसका इससे बचा रहा होता है सो so इसका यूज करना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके एग्जाम्पल की बात करें तो निरोध इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है डाइफ्राम सर्विकल कैप्स और वॉल्स की बात करें तो ये फीमेल्स के लिए डिजाइन किए गए कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं इसे मेल यूज नहीं करते ये फीमेल्स के लिए बना है और इसका मेन फंक्शन ये है कि ये सर्विक्स को जाकर के कवर करता है हमने देखा था ये सर्विक्स जब वेजाइना के साथ मिलता है तो वो एक बर्थ कैनाल बनाता है और ये जो है इसे सर्विक्स को कवर किया जाता है इस वाले पार्ट से और सर्विक्स को कवर करने से फायदा यह मिलता है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है और आफ्टर इजैक्यूलेशन ये जो डायफ्राम है या सर्विकल कैप्स हैं या फिर वॉल्स हैं ये स्पर्म की एंट्री को सर्विक्स तक ही रोक देते हैं सर्विक्स के ऊपर यूटेराइन कैविटी में नहीं जाने देते हैं ये रीयूजल होते हैं इसे हम लोग रीयूज भी कर सकते हैं इसकी बात करें तो यूज अलॉन्ग विथ स्पमिसाइडल क्रीम जलीज एंड फॉम टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस इसको हम लोग स्पोमिसाइडल क्रीम वगैरह के साथ भी यूज करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि इसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है क्रीम जिसके मदद से स्पॉम के स्पॉम की जो क्वालिटी है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है और फिर यहां पर क्या है प्रेग्नेंसी को अवॉइड किया जाता है तो ये रहे कुछ कुछ पॉइंट्स बैरियर मेथड के ऊपर इसको भी आप नोट करके स्क्रीन निकाल सकते हैं फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में कि हमें क्या देखना है तो आफ्टर बैरियर मेथड हमारे पास आ रहा है दैट इज इंट्रा हमने डिस्कशन किया था कि यूटेरस एक ऐसी जगह है जहां पर प्रेग्नेसी जहां पर इंप्लांटेशन हो रहा होता है मतलब फीटस का डेवलपमेंट जो है वो इसी जगह पर होना है और ये वही रास्ता है जिस रास्ते जो है वो ट्यूब तक पहुंचता है तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दें फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है कि कुछ तुम्हारा ये घर है ये तुम्हारा घर है होम स्वीट होम एच और ये तुम्हारा स्कूल है अगर तुम्हें इस स्कूल के बीच में यहाँ पर एक पार्क है ठीक है और तुम्हारी आदत यह है कि तुम घर जाते स्कूल जाते टाइम तो स्कूल चले जाते हो लेकिन स्कूल से जब तुम्हें वापस अपने घर आना होता है तो तुम इस पार्क में कुछ समय बिताते हो ठीक है कुछ समय बिताते हो और फिर उसके बाद तुम घर आते हो ठीक है तो मतलब यहां बीच में तुम्हारे लिए एक कुछ रास्ता है ये अगर हम कुछ ऐसा कर दें ऐसा कर दे कि अगर हम चलो एक काम करते हैं ये एग्जाम्पल जो है वो उतना बेहतरीन नहीं, तो नहीं लग रहा है तो एग्जाम्पल बेहतरीन नहीं लग रहा है हम कुछ और लेके समझने की कोशिश करते हैं इंट्रा यूटेन डिवाइस है चलो ऐसे समझते हैं कि आ, आ, ये रहा तुम्हारा वेजाइना ये रहा वेजाइना इस रास्ते स्पम जो है वो आगे बढ़ रहा है वेजाइना के बाद ये जाता है सर्विक्स में सर्विक्स में जाने के बाद फिर ये आगे बढ़ता है और ये जाता है यूटेरस में यूटेरस के बाद इसकी कहानी आगे बढ़ती है और यह जा रहा होता है ट्यूब में और यही वो फेलोपियन जहां पर फर्टिलाइजेशन को होना है तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दे कि बीच में ही अगर हम यहीं पर स्पॉम को अगर रोक दें और यहां फेलोपियन ट्यूब तक ना जाने दे तो भी फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है कहने का मतलब यह है कि पार्क में जो एंट्री हो रही थी वहां पर अगर हम उसे कुछ लॉक कर दे तो तुम उसमें नहीं जाओगे सेम इसी तरीके से हम यूटेरस में कुछ तो ऐसा कर देंगे कि जिसके जिसके कारण क्या होगा स्पॉम जो है वो इस फेलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पाएगा तो इसके लिए हम यूटेरस में क्या करते हैं कुछ बॉडी गार्ड्स को खड़ा करते हैं जिसे हम लोग इंट्रा यू इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के नाम से जानते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस इन शॉर्ट हम उसे आई कहते हैं ये कुछ डिवाइसेस होते हैं जिन्हें एक्सपर्ट डॉक्टर्स या नर्सेज जो हैं वो फीमेल्स के यूटेरस के अंदर इम्प्लांट करती हैं ठीक है फीमेल्स के यूटेरस के अंदर इसको इंप्लांट किया जाता है और इसकी खास बात है इस स्टेटमेंट को हम याद करेंगे दैट इज इट इंक्रीजेस द ऑफ ठीक है इसके अगर कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि नॉन मेडिकेटेड इसके एग्जांपल है लिप्स मेडिकेटेडलू अगर हम कॉपरस रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की बात करें तो हमारे पास है सीयूटी सीयू सेवन दिस इज कॉमा सी सीवन मल्टीलोड थ्री सेवन अगर हम हार्मोन रिलीजिंग की बात करें तो एक होता है प्रोजेस्टेरेस्ट फिर है एन ट्वेंटी दिस इज प्रोजेस्टाजर्ट दिस इज प्रोजेस्टाजर्ट एल ट्वेंटी इसके बाद है मेक्स यूटेरस अन फॉर इम्प्लांटेशन इसको हम अगर हम पहले इसको नोट कर लो फिर हम समथिंग समथिंग डिस्कशन करेंगे इस सी के बारे में तो सी क्या है सी क्या है सी कहने का मतलब ये है कि यहां पर बात की जा रही है कॉपर्टी की यहां पर डिस्कशन हम कर रहे हैं कॉपर टी का अगर इसके डायग्राम की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से टी शेप्ड का ये होता है ये डिवाइस है इसको इंसर्ट किया जाता है यूटेराइन कैविटी में और इसका काम ये है कि ये कॉपर आयंस को ये रिलीज करता है और ये रिस्पॉन्सिबल है कि स्पम्प केमिकल के नेचर को चेंज करता है और जिस वजह से स्पम्प जो है वो अपने फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी को धीरे धीरे खो देता है तो दिस इज टी और इस कारण से फिर वो स्पॉम वहां पहुंचता भी है तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है यूटरस के अंदर ही इन सब चीजों को देख लिया जाता है फाइन आगे चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिर हमें क्या देखना है नौ अब कहानी आ जाती है पिल्स के बारे में ये पिल्स क्या होता है पिल्स की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजेन का मिक्सचर होता है पिल्स पिल्स की बात करें तो ये जब हमने मार्केट में टैबलेट्स देखा है टैबलेट से भी छोटा एक सॉलिड फॉर्म में मेडिसिन अवेलेबल होते हैं वो पिल्स हैं इसके काफी स्मॉल डोजेस लिए जाते हैं ये फीमेल्स के द्वारा यूज किया जाता है इसे मेल यूज नहीं करते हैं और ये हमें तभी समझ जाना चाहिए जब हमने यहां पर डिस्कशन किया कि ये प्रोजेस्टेरोन और इस्ट्रोजन के मिलने से बनाए या फिर प्रोजेस्टेरोन अकेला प्रोजेस्टेरोन का भी पिल्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो चूंकि ये फीमेल्स के अंदर बनने वाला हॉर्मोन है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो पिल्स हैं ये फीमेल्स के लिए बने होते हैं ये कब लेना है तो ये टेकन डेली फॉर ट्वेंटी वन डेज स्टार्टिंग विद इन फर्स्ट फाइव डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले पांच दिन से पहले पांच दिन में इसको स्टार्ट करना है और ये इक्कीस दिनों तक इसे खाना होता है इसके बात करें तो ये करता है इट ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन ये, ओवुलेशन ये ओवुलेशन और से रोकता है इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन है सहेली एनसीआर में भी एग्जाम्पल है सहेली की बात करें तो ये नॉन है ये हफ्ते में एक बार लिया जाता है और इसको डेवलप किया गया था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई लखनऊ के द्वारा लखनऊ में मौजूद सीडीआरआई जो है दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसने सहेली को डेवलप किया था और इसके इसके मदद से जो प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड किया जाता है तो इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं फिर हम चलेंगे नेक्स्ट की हमें क्या देखना है अब हम आ जाते हैं इम्प्लांट्स के ऊपर इम्प्लांट्स के ऊपर एक डिस्कशन करें तो ये भी प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन और इस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना होता है इंजेक्शन या फिर स्किन के अंदर इसको इम्प्लांट किया जाता है और इसके मदद से भी प्रेगनेंसी को है जो रोका जा रहा होता है इसकी बात करें तो लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड हमने पिल्स में भी देखा था कि पिल्स इज आल्सो मेड अप ऑफ प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन और इस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना था तो और इम्प्लांट्स भी प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन और इस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना है तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेम चीज है तो दोनों में ज्यादा इफेक्टिव क्या है तो ज्यादा इफेक्टिव की बात करें तो ये वाली चीज जो है दिस इज मोर इफेक्टिव देन पिल्स तो ये भी चीज याद करने लायक है इसको भी हम याद कर लेंगे फिर हम आगे चलते हैं स्क्रीनशॉट ले लेना आप कि इसके बाद हमें क्या देखना है <coughs> इम्प्लांट के बाद हमारे पास आ जाता है सर्जिकल मेथड सर्जिकल मेथड की बात करें तो ये एक ऐसा मेथड है जिसे हम लोग परमानेंट मेथड भी बोलते हैं कहने का मतलब ये है एक तरीके का टर्मिनल मेथड है ये इिवर्सिबल है एक बार कर दिया तो कर दिया और इसको हम स्टेरलाइजेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं क्यों इसका जवाब में इसलिए क्यों और ये सवाल है कि ऐसा है तो क्यों है तो इसका जवाब ये होगा क्योंकि एक ऐसा मेथड है जिसके कारण जिस जिसके कारण जो गैमेट्स है उसके रास्ते को ही ब्रेक कर दिया जाता है रास्ते को ही तोड़ दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये तुम्हारा घर है ये तुम्हारा होम स्वीट होम है और ये तुम्हारा पार्क है और तुम डेली यहाँ पर जाते हो शाम को खेलने लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ये जो रोड था यहाँ पर ये जो यहाँ पर रोड था इस रोड में यहाँ पर अचानक से कुछ गड्ढा कर दिया गया ड्यू टू कंस्ट्रक्शन वर्क या फिर जो भी हो सकता है इसमें रुकावट ला दी गई रुकावट आने से क्या हुआ कि अब तुम अपने पार्क तक नहीं जा पा रहे हो और ये गड्ढा ऐसा है कि फिर ये गड्ढा कभी बना ही नहीं ये गड्ढा तो परमानेंट हो गया कुछ इसी तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं सर्जिकल मेथड में एक आता है वैसेक्टोमी और दूसरा आता है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी में लिख रहा है वास इससे हमें समझ जाना है कि यहां एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें वॉस डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और ट्यूबेक्टोमी हम ये रिलेट करेंगे फेलोपियन ट्यूब से आया ट्यूबेक्टॉमी तो यहां पर फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। तो कह सकते हैं हमसेक्टॉमी जो है ये जो प्रोसीजर है ये मेल बॉडी के अंदर किया जाता है और ट्यूबेक्टोमी का ये जो प्रोसीजर है ये फीमेल्स बॉडी के अंदर किया जाता है ठीक है आराम से समझ में आ गई चीजें कहने का मतलब है कि वेक्टोमी को काट दिया अब यहां पर क्या किया चूंकि यहां पर टेस्टिस से स्पॉम को निकलना था टेस्टिस से निकलना था और फाइनली हमें इसको बॉडी से बाहर लाना था इस वक्त हमने देखा था कि इफिडेडिस में जाता है वो साफरेन्शिया है रीटेस्टिस में जाता है वो, इफरेंशिया है फिर एपिडेडमिस है वॉस्ट डिफरेंस है तो यहां पर वॉस डिफरेंस जो यहां पर था इस वॉस डिफरेंस को कट कर दिया गया जिसके कारण क्या हुआ अब स्पम जो है वो अब वहां तक नहीं पहुंच रहा है जहां तक उसे पहुंचना चाहिए था तो चूंकि अब कितना भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए चूंकि स्पम का इजैकुलेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि वॉस डिफरेंस को ही कट कर दिया गया है तो प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है दूसरी चीज है कि ट्यूबेक्टोमिक के दौरान अगर हम फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं तो हम देख रहे थे कि ओवरी से जब ओभम निकलता है तो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ही वो फिर यूटेरस में आता है फेलोपियन ट्यूब ही वो जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन होना है तो फर्टिलाइजेशन हमने यहां पर किया वो काम कि यहां पर हमने कर दिया फेलोपियन ट्यूब को कट करके हमने उसे टाई कर दिया तो इस कारण से क्या है कि ओभम निकलता है और फिर वो फेलोपियन ट्यूब में उस रास्ते वहां तक एम्पले जंक्शन तक नहीं पहुंच पाता है और इसके कारण क्या है फिर फर्टिलाइजेशन को अवॉइड किया जाता है तो इस तरीके से होता है सर्जिकल मेथड तो इसको भी आप नोट करके इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं बहुत ही शॉर्ट में चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे हैं दिमाग में रखना है कि बहुत ही शॉर्ट और कम टाइम में इस चैप्टर को हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं फिर ये रहे कुछ इसका हाइलाइटेड पॉइंट्स फिर हम आगे चलते हैं और एक टॉपिक है हमारे पास दैट इज द एम टी पी एम टीपी के फुल फॉर्म की बात की जाए तो दिस इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक ऐसा इसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो ये पूरे इस दुनिया का जो वन फिफ्थ ऑफ द पॉपुलेशन है वन फिफ्थ ऑफ द प्रेगनेंसी जितनी होती है मतलब पांच में से पांच में अगर बात करें एक एक दो तीन चार और पांच तो ये जो पांचवा है ये पांच में से एक जो है ये एम के अंदर जाता है मतलब चालीस से पचास मिलियन एम जो है वो हर साल किया जाता है कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें प्रेगनेंसी हो जाती है प्रेगनेंसी होने के बाद जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है आफ्टर दैट उस प्रेगनेंसी को क्या करते हैं कि उस प्रेगनेंसी को फिर ब्रेक किया जाता है तो दिस इज कॉल्ड एज एम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 तक इंडिया में एम जो था उसे इलीगल माना जाता था इलीगल था बट इन 1971 इस एम को इंडिया में भी लीगलाइज कर दिया गया इसकी बात करें तो सेफ ड्यूरिंग ऑफ पीरियडन पीरियड का और अभी से लेकर के बारह हफ्तों के बीच का जो पीरियड है अगर इस समय ये एम किया जाता है तो ये काफी सेफ होता है इस सेफ इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस दौरान क्योंकि एम होता है तो मदर बॉडी में भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब विद इन वीक्स के अगर अगर अंदर हम इसे कंप्लीट करते हैं अगर अंदर इसे किया जाता है तो फिर जो मदर है वो काफी ज़्यादा सेफ होती हैं तो ये रहा इसके बारे में कुछ इसके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन और कर लिया जाए कि एम जो है अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अगर किया जा रहा है तो फिर हमें स्पेशल ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं उस दौरान थोड़ा कानून से हमें मिलना पड़ता है थोड़ा कोर्ट वोट का भी चक्कर लगता है उसके बाद हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं सो दिस इज अबाउट एम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये है चालीस से पचास एम हर साल किए जाते हैं एक डेटा याद करने लायक हर पाँच में से एक जो है प्रेगनेंसी जो है हर साल जित मतलब जितनी प्रेगनेंसी होती है तो हर पाँच में से एक प्रेगनेंसी जो है वो एम के अंदर जा रही होती है हर साल इसकी बात करें तो इंडिया में 1971 से पहले ये इलीगल था लेकिन 1971 में एमटीपी को इंडिया में भी लीगल कर दिया गया है इसे हम सेफ तभी मानते हैं जब यह पहले ट्राइमेस्टर के दौरान इसे कर लिया जाए क्योंकि उसके बाद जो है है वो फीटस फीटस और ज्यादा डेवलप हो जाता है, तो उस वक्त उस वक्त को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल होता है और उस वक्त अगर फीटस को डिस्ट्रॉय करते हैं तो फीटस एज वेल एज मदर बॉडी दोनों पे इफेक्ट पड़ता है सो so इसको भी हम नोट कर लेंगे फिर आगे चलते हैं कि आगे हमें इसके बाद क्या डिस्कशन करना है एमटीपी के बाद हमारे पास आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की अगर हम बात करें तो इसे हम लोग वेनेरियल डिजीज के नाम से भी जानते हैं इन शॉर्ट हम वीडी कहते हैं या फिर हम लोग इसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन आर के नाम से भी जानते हैं इसकी बात करें इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में इचिंग फ्लू डिस्चार्ज स्लाइड पेन स्वेलिंग स्लाइड पेन स्वेलिंग एक्सेट्रा ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं इसके सिम्टम्स में अगर हम लोग एस को अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो इसके कारण हमें पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज पी भी होने के चांसेस रहते हैं अबोशन स्टिल बर्थ इक्टोपिक प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी इससे हो सकती हैं तो मुद्दा यह है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता कैसे है तो इसके बारे में भी हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे फिलहाल फिलहाल हम इसको नोट कर लेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज को हम लोग वीडी या फिर आरटीआई के आरटीआई के नाम से भी जानते हैं सिम्ट की बात करें तो हमारे पास इचिंग इचिंग होना का डिस्चार्ज होना कुछ दर्द होना स्वेलिंग ये सारी चीजें जो इसके हैं हैं अगर इसको ट्रीट हम नहीं करते हैं तो पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीजेस होने के चांसेस हैं एबॉर्शन होने के चांसेस है स्टिल बर्थ हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी देखने को मिलती हैं इसके बाद हमें इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है गोनोरिया है हमारे पास हमारे पास जेनाइटल हर्ब्स है एड्स है बी है है ट्राइकोमोनियासिस तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स इसके इसको भी हम याद कर लेंगे हमसे पूछा जा सकता है अगर हमारे बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है कि हमें तीन चार एग्जाम्पल बताओ तो भी हम एग्जाम्पल बता सकते हैं ठीक है थेके? आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं द टॉपिक इज की प्रिवेंशन फ्रॉम स्टडीज तो एस टीडीज से बचे कैसे तो इससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि अगर उन दूसरे की अगर sex, जो अगर इस सेक्सुअल प्रोसीजर के दौरान जो पार्टनर है अगर वो इस एसटीडी से अफेक्टेड है तो इस तो फिर इंफेक्शन के दौरान हमें भी एसटीडीज हो सकता है तो इसको अवॉइड करने तो इसे बचने का तरीका है कि अवॉइड सेक्स विथ अनोन पार्टनर्स या फिर मल्टीपल पार्टनर्स ऑलवेज यूज कॉर्डम्स ड्यूरिंग क्वेटस ठीक है इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विथ डिजीज तो कहने का मतलब इसे बचने का तरीका है कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाकर के एक परफेक्ट चेकअप ले सकते हैं एक चेकअप लेने के बाद अगर उस डिजीज में अगर पाया जाता है कि वो उस बंदे को अगर वो डिजीज है तो डायग्नोसिस के बाद उसके ट्रीटमेंट में जाना चाहिए यहां पर एक और चीज़ कही गई है कि इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट है जो हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन किया था दैट इज द यूज ऑफ कॉन्डम्स तो कॉन्डम्स का यूज करने से एस से बचा जा सकता है जस्ट बिकॉज की ये बॉडी कॉन्टेक्ट को आपस में रोकता है चूंकि ये दो स्किन कॉन्टेक्ट के बीच में एक बैरियर का, का काम करता है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा जा सकता है इसको भी आप नोट करके स्क्रीनशॉट निकालो फिर हम चलते हैं आगे इस टॉपिक के बाद हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है अबाउट द इनफर्टिलिटी ऐसा देखने को मिलता है कि कई सालों से जो कई सालों से ट्राई कर रहे होते हैं माता पिता मतलब जो पार्टनर्स हैं मेल एंड फीमेल पार्टनर जो हैं वो ट्राई कर रहे होते हैं बट उनमें क्या है कि प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हो रही होती है तो इस केस में जब वो मतलब ऐसे केस को हम लोग इनफर्टिलिटी के अंदर रखते हैं इस केस में क्या होता है कि वो किसी एक नए इंडिविजुअल को जन्म देने में सक्षम नहीं होते हैं तो ऐसे केस में क्या किया जाता है असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट में जाते हैं और फिर कुछ स्पेशल टेक्निक के थ्रू उनमें ये प्रेगनेंसी कंप्लीट करवाई जाती है जिसे हम लोग एआरटी के नाम से जानते हैं मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज अगर इस ए की बात करें तो हमारे पास एक आईवीएफ है हमारे पास आर्टिफिशियल इंसमिनेशन है जी है आई है और ये सब क्या है इसके बारे में एक एक करके हम लोग छोटा छोटा शॉर्ट में डिस्कशन करते चलेंगे पहले इसको आप नोट कर सकते हो तो एक एक करके देखते हैं इन सब के बारे में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे दैट इज आईवीएफ दैट इज इन विट्रो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये टेस्ट बेबी का नाम हमने सुना है आम बोलचाल की भाषा में ये लैब में परफॉर्म किया जाता है और यह फॉलोड बाय इम्ब्रियो ट्रांसफर लैब में इंब्रियो बनाने के बाद इसको ट्रांसफर किया जाता है इसमें दो केस हमें देखने को मिलता है अगर एट ब्लास्टोमियर तक अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो हम इसे बॉडी के किस पार्ट में ट्रांसफर करेंगे और अगर आठ से ज्यादा एट ब्लास्टोमियर से ज्यादा अगर वहां पर मौजूद है तो उसको हम लोग बॉडी के किस पार्ट में ट्रांसफर करेंगे ठीक है पहले आप इसको नोट कर सकते हो कि बेबी कॉमन भाषा में हम कहते हैं लैब में इसको परफॉर्म करवाया जाता है और ये इम्ब्रियो ट्रांसफर से ये कंप्लीट होता है मतलब लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवा दिया बन बन गया वो बन चुका है इम्ब्रियो बनने के बाद जब तक वो एट सेल्ड स्टेज में है जब तक वो एट सेल्ड स्टेज में है तब तक हम उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे और अगर एट स्टेज सेल से वो ज्यादा हो चुका है तो हम उसे यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं जब हम उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर हम क्या जब हम तो यहां पर नाम दिया जाता है ZIFT, that is Zygote Transfer. यहां पर एक सिंगल सेल्ड है एक का होता है दो दो का होता है चार एंड फाइनली चार का हो रहा होता है आठ तो यहां से लेके यहां तक का अगर केस है तो फिर हम उसे फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करते हैं लेकिन अगर आठ से ज्यादा वाला केस है तो फिर हम उसे यूटेरस के अंदर ट्रांसफर करते हैं और उसे हम लोग कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर इन शॉर्ट आई यू टी तो इसको भी नोट कर लेंगे स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे फिर चलेंगे हम आगे ठीक है अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है दैट इज अबाउट द आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन जिसे हम लोग एआई -ए के नाम से भी जानते हैं अगर हम लोग फार्मेल हैज लोअ स्पॉम काउंट जिसके पास एक मेल है जिसके पास जिसके स्पॉम काउंट काफ़ी कम है या फिर वो फीमेल्स को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं उन केस में इस प्रोसेस का यूज किया जाता है इसकी बात करें तो स्पॉम स्पॉम फ्रॉम हस्बैंड हस्बैंड से या फिर डोनर से स्पॉम को कलेक्ट किया जाता है और फिर फीमेल्स के वेजाइना या यूटेरस में उसको ट्रांसफर किया जाता है मतलब किसी से भी यहाँ से स्पॉम्ब को कलेक्ट किया गया और आर्टिफिशियली फिर उसको फीमेल्स के वेजाइनल ट्रैक में या फिर यूटेरस कहते हैं के अंदर सर्विक्स के अंदर यूटेरस फिर वहां पर इसे छोड़ दिया जाता है और फिर हम इसे कहते हैं आई यू आई मतलब इंट्रा यूटेराइन इनसेमिनेशन इसको भी हम नोट कर लेंगे इसका भी आ, ले सकते हैं फिर हम चलेंगे आगे की हमें क्या देखना है ठीक है तो आगे हम देखते हैं कि क्या है आगे एक और छोटा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं ऐसे मेल्स जिनके पास लोएस्ट स्पर्म काउंट है मतलब कि अगर स्पॉम काउंट लो है तो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा जब इजेकुलेशन हो रहा होगा जब फीमेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जब इस स्पॉम को रिलीज करवाया जा रहा होगा तो जितने अमाउंट ऑफ स्पॉम वहां तक आ, एम्पलरी समस जंक्शन तक पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर एक ऐसा केस है कि अगर फीमेल्स को वो मेल जो है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो इस केस में हस्बैंड या डोनर से वहां पर इस फॉर्म को कलेक्ट किया जाता है और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उसको रिलीज करवाया जाता है एंड दिस इज नोन एज आई यू आई मतलब इंट्रा यूटेराइन इनसेमिनेशन नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट जीआईएफटी इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये गैमेट इंट्रा इंट्रा है दिस इज इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर ठीक है मतलब गैमेट को जो है वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवाया जाता है ओवम को कलेक्ट किया जाता है ओवम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर डोनर से लेते हैं हम ओवम को और फिर उसको जिसे मदर बनना है उसके फेलोपियन ट्यूब में हम ट्रांसफर कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई एक फीमेल है दिस इज सम फीमेल और इसके अंदर ये जो ओवम है ये उस क्वालिटी का नहीं है कि फर्टिलाइज हो करके एक बेबी को जन्म दे सके तो इस केस में क्या किया जाता है किसी डोनर से ओवम को कलेक्ट करके इसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है एंड फाइनली देन यहां पर फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करवाया जाता है आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या है तो अब एक टॉपिक है दैट इज अबाउट द सैरोगेसी की बात करें तो इज एन अरेंजमेंट वेयर एज सैरोट मदर बियर्स द बियर्स एंड डिलीवर्स चाइल्ड फ्रॉम अनदर कपल और पर्सन ये एक मॉडर्न टेक्निक है जिसके मदद से क्या किया जाता है कि अगर ये कपल्स हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज फादर दिस इज मदर ये मदर हैं ये फादर है इस ये ये फी, ये फीमेल है और ये मेल है ठीक है इस फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए लेकिन इसे एक बच्चे की जरूरत है इसे प्रेगनेंसी इसलिए नहीं चाहिए कि ये एक फॉर एग्जांपल ये क्या होता है आजकल मॉडल्स वगैरह इसका बहुत यूज करती हैं तो क्या होता है ड्यू टू की बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज ना आए इसलिए क्या करती हैं किसी को हायर करती हैं ये हायर करती हैं एक दूसरे फीमेल को F2 में इसको लिख रहा ठीक है? ये दूसरे फीमेल्स को हायर करती हैं और इन फीमेल्स के अंदर उस बच्चे को डेवलप करवाया जाता है इनके के चाइल्ड हो तो एक, एक ऐसा टेक्निक है कि इंडिया में एक ऐसा लीगल प्रोसीजर है कि अगर किसी अनाथ आश्रम में कोई बच्चा अगर है तो आप लीगल पेपर्स को साइन करके एक लीगल तरीके से उस बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं और एडोप्शन के बाद वो बच्चा प्रॉपर तरीके से आपका हो जाता है तो ये भी एक प्रोसीजर है कि अपने अगर किसी को अगर बच्चे की जरूरत है तो इस तरीके से पूरा कर सकता है तो ये रहा कुछ माइंड मैप हमारा इस चैप्टर से ठीक है आगे बढ़ते हैं इसको भी आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं फिर हम आगे चलते हैं ठीक है तो आगे अब हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ के करते हैं इस चैप्टर के माइंड मैप को कंप्लीट तो इस तरीके से देखा हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ से Uh, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट माइंड मैप के अंदर उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और कोई पॉइंट ऐसा लगा है कि समझ में नहीं आया है तो आप बेझिझक उसे हमसे पूछ सकते हैं और हम आपके डाउट्स को श्योरली रिप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए जो बहुत ही जानना आपके लिए जरूरी है दैट इज अबाउट द मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन और इस मुहिम में हमने आपके लिए बहुत सारी वीडियोज बनाए हैं जिसको देख करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में या फिर डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं अगर आपको YouTube पे वीडियो ढूंढने में परेशानी हो रही है मुश्किल आ रही है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रिंस के ऐप को या फिर आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रिंस की वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट मैग्नेट ब्रिंस डॉट कॉम यहाँ जाकर के आपको अपनी क्लास को सेलेक्ट करना है आपको अपने सब्जेक्ट स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है आपको अपने चैप्टर को सेलेक्ट करना है और जो भी लेक्चर में आपको डाउट है या फिर जो भी लेक्चर आपको देखना है आप उसे बेझिझक देख सकते हैं बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी तो आपको पता ही है बिल्कुल ही बेहतरीन तो इसी बात के साथ हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन के साथ टाटा थैंक यू बाय बाय